चले। आऊं खुदावन के घर चले, जहां बरकतें मिलती हैं, जहां बरकतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, जहां नेमतें मिलती हैं, जहां नेमतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, आऊं खुदावन के घर चले। हजूरी कमा हुंदी ओथे जिथे यसू दा जला, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार। ते सहारा जांदा यसू नु जला, सहरा जांदा यीशु नु जला, ते सहरा जांदा यीशु नु जला। रू दी हजूरी वेखो हर पासे छाइए, बचते ने लोग देंदे यीशु दी गवाईए। अज चलनी शैतान दी नहीं चाल, यीशु रहिंदा ए हमेशा साडे नाल। अज चलनी शैतान दी नहीं चाल, यीशु रहिंदा ए हमेशा साडे नाल। ना कोई दुखी ना कोई रहना ए बीमार, ते सहारा जांदा यीशु नु चला, ते सहारा जांदा यीशु नु चला, सहारा जांदा यीशु नु चला, ते सहारा जांदा यीशु नु चला। लेला जो वड्या गया सी कुदरत ते तन दौलत हिकमत ते शक्ति आदर ते महिमा अते बरकत पाउन दे योग है। हालेलुया। बाप अते बेटा अते रूह पाक दे नां दे उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारयां दे नाल होवे, अते तुहाडी रूह नाल वी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारियो, अज दे पाठ सानू ये सिखाते हैं जो चीज़ खुदा वालों है वो अपना मकसद पूरा करती है, वो अपनी संपूर्णता ते पहुँचती है। पर जो चीज़ खुदा वालों नहीं है वो अपने आप विच किते ना किते खत्म हो जाती है। कहने तो भाव कि जो काम रसूल कर रहे हैं यीशु मसीह दे प्रचार दा, उस प्रचार नूं रोकण लई, दबाउण लई, खत्म करन लई बहुत सारियां कोशिशां कीतियां जा रही हैं। रसूलां ते अत्याचार कीते जा रहे ने, हर तरह उन्हां नूं दुख दित्ते जा रहे ने, पर एक सियाना आदमी उन्हां नूं समझाउंदा है कि इन्हां चेलियां नूं तंग करना सही नहीं है। जो ये काम कर रहे हैं जे खुदा वल्लों है तो इस नूं कोई नहीं रोक सकता, तो जे मनुखां वल्लों है तो इस नूं रोकण की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप ही कितने ना कितने खत्म हो जाएगा। तो ये गल सही है। जेकर असीं सोचिए कि जदों असीं खुदा दी मर्जी पूरी करते हैं
अपने रोजाना जीवन विच कम्मा कारां विच अपने रवैये विच सोच समझ विच तां साडी सोच समझ साडा रवैया साडा कामकाज संपूर्णता तक पहुँचेगा, अपने मकसद नु पूरा करेगा, क्योंकि असीं खुदा दी मर्जी नाल खुदा दी रजा नाल चलन दी कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो काम खुदा वल्लों है उसनु कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तो जे असीं खुदा दी सोच नाल चलन दी कोशिश करते हैं तो साढ़े जीवन विच कामयाबी नु कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। तो आओ असीं खुदा उत्ते भरोसा रखिए, खुदा दी मर्जी नु पूरा करन दी कोशिश करिए, अपने कामकाज अपने मकसद जिंदगी दे हर एक काम नु सोच नु खुदा दे सपुर्द करिए ताकि साड़ी सोच भी साड़े कामकार भी संपूर्णता तक पहुँचन। तो उस दे नाल नाल असी भी अपने जीवन विच स्वर्गीय संपूर्णता तक पहुँच सकिए। तो वो अपने मन खुदा वल लाइए, खुदा दी रजा विच रहन दी कोशिश करिए, खुदा दियां सिक्ख्यावां नूं अपने उत्ते लागू करन दी कोशिश करिए, खुदा दे वचनां नूं प्यार करिए। इस कुरबानी नूं हुण चढ़ाउण दे लई असीं अपने मन बुरे ख्यालां वल्लों बुरियां आदतां वल्लों मोड़िए अते खुदा विच इक नवां जीवन शुरू करन लई बरकत मंगदे होए खुदा कोलों माफ़ी मंगीए। मैं इकबाल करदा हां, पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ प्राओ ते पैणो कि मैं सोच नाल बोल नाल करे नाल अते अनगहली नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल अपने ही दोष दे नाल अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल, इस लई मैं तां सदा कुआरी मरियम सारे फरिश्तियां अते संतां अते तुहाडे अगे ऐ प्राओ ते पैणो मैं बेनती करता हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे, साडे गुनाहां नु माफ करके सानू सदी वी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे मसीहा दया कर, हे मसीहा दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। हे पूरी कुदरत वाले खुदा, तू सानू प्रभु यीशु मसीह दे जीवन दी खुशखबरी नू जानन दा वरदान दिता है। बख्श दे कि तेरे प्यार दी रूह राही असी भी नवे जीवन विच जी उठिए। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूह पाक दी एकता विच एक खुदा जीउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर। आमीन। खुदा तेरे दिल ते जवान उत्ते हो ताकि योग ठंग नाल तू सुस्ती पानी सुनाओ बाप बेटे रूह पाक दे नाम ते। आमीन। पाठ पहला रसूलां दे करतब विचों उहदा पंज बाप 34 आयत तों 42 आयत तक। पर गमालीएल नां दा एक फरीसी जो विधान दा महाज्ञानी अते सारे लोकां विच बड़ा मन्या परमन्या सी, सभा विच खड़ा होया अते रसूलां नूं थोड़े चिर लई सभा विचों बाहर कले जाण दा आदेश दिता। फिर उसने सभा दे लोकां नूं कहा, इसराइली साथियो, तुसी इन्हां मनुखां दे नाल की करन जा रहे हो? उस दे बारे सावधान रहो। कुछ समा पहले थियोदस उठ खड़ा होया जिस दावा कीता सी कि ओ कुछ है अते कुछ लोग लगभग 400 आदमी उस दे पीछे लग गए, पर ओ मारिया गया अते उस दे समर्थक सब खिलर गए अते गायब हो गए। उस दे बाद
मर्दशुमारी दे समय गलील दा यहूदा उठ खड़ा होया। ओ भी कुछ लोकां नूं आपने वल करन विच कामयाब होया। ओ भी बर्बाद हो गया अते उस दे पीछे चलन वाले खिलर गए। इसलिए इस हाल दे मसले बारे मैं तुहानू कहंदा हाँ, तुसी इना आदमिया तो दूर रहो अते इना नू अपने राह चलन दियो, क्योंकि जेकर ए योजना जा ए कम मनुखा वलों है ता ए आपे खत्म हो जावेगा, पर जेकर ए खुदा वलों है ता तुसी इना नू पछाड़ नहीं सकोगे। इना ही नहीं, तुसी अपने आप नू खुदा दा विरोध करन वाले पावोगे। इसलिए उन्होंने उस दी सलाह मान ली अते जदों उन्होंने रसूलां नू अंदर बुलाया ता उन्होंने कोड़िया नाल पिटाया अते ए सख्त आग्या दिती कि वो यीशु दे नां ते ना बोलन अते उन्होंने जान दिता। जिवें ही वो सभा दे सामने बाहर गए, वो खुश होए कि वो नां दी खातर अपमान सहन दे योग समझे गए हन। वो चार दिन लगातार हैकल विच अते घर घर जा के सिख्या देंदे रहे अते ए प्रचार करनो बाज ना आए कि यीशु ही मसीह है। ए प्रभु दी बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। हे मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। हे मेरी शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तीक बयान करां के तेरा है मुबारक नाम। खुदा बुजुर्ग ते फायक है, बेहद तारीफ दे लायक है। खुदा बुजुर्ग ते फायक है, बेहद तारीफ दे लायक है। बुजुर्ग शाह खुदा बंदा, वडियाई तेरी करांगा। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां
सच्ची जान पा दिंदियां प्रभु तुहाड़े नाल होवे अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे पाठ पवित्र अंजील दा संती होना दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। इस दे बाद यीशु गलील दे सागर दे दूजे पासे गया जो तिबेरियास दा सागर है। एक वड्डी भीड़ उस दे पिछे तुर पई क्योंकि उन्होंने वो निशान वेखे सन जिहड़े यीशु ने बीमारां उत्ते कीते सन। यीशु पहाड़ उत्ते चढ़ गया ते अपने चेलियां दे नाल उत्थे बैठ गया। यहूदियां दा त्यौहार पासका लागे सी। यीशु ने अपनी अखां उतां चुकियां ते एक वड्डी भीड़ नूं अपने वल आउंदे वेख के फिलिप नूं कहा, इन्हां लोकां दे खाण लई असीं रोटी कित्थों खरीदीए। उसने ये गल उस नूं परखण लई कही सी क्योंकि वह आप जानदा सी कि वह की करन वाला है। फिलिप ने उत्तर दिता, 200 दिनार दीआं रोटियां भी काफ़ी नहीं होणगियां कि उन्हां विच्चों हर एक नूं थोड़ी थोड़ी मिल जावे। चेलियां विच्चों एक शिमौन पतरस दा भरा अंद्रयास ने उसनूं कहा, इत्थे एक मुंडा है जिस कोल जौं दीआं 5 रोटियां अते 2 मच्छियां हन, पर उह इन्ने सारे लोकां लई की हन। यीशु ने कहा, लोकां नूं बिठा दिओ। उस थां ते घाह बहुत सी इसलिए आदमी बैठ गए जिन्हां दी गिनती लगभग 5,000 सी। फिर यीशु ने रोटियां लईयां, धन्नवाद करन दे बाद उसने बैठे हुए लोकां विच उह वंड दित्तियां। इत्थे इसे तरह मच्छियां भी जिन्नियां वो चाहते सन। जदों उन्होंने रज के खा लिया तो उसने अपने चेलियां नूं कहा, बचे हुए टुकड़ियां नूं इकट्ठे करो तां जो कुछ भी नष्ट ना होवे। इसलिए उन्होंने वो इकट्ठे कर ले अते जौं दीआं 5 रोटियां दे टुकड़ियां नाल जो लोकां दे खाण तों बाद बचे सन 12 टोकरे भर ले। जदों लोकां ने निशान वेख्या जो उसने कीता सी तां उन्होंने कहा, यह सचमुच वो नबी है जो संसार विच आउण वाला है। तद ये जानते हुए कि लोग आ के उसनूं जबरदस्ती फड़ के राजा बनाउण वाले हन, यीशु इकला ही फिर पहाड़ वल निकल गया। हे प्रभु दी पवित्र अंचिल है, तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारिओ, अज दे अजोके समय विच असी सारे प्रिंट मीडिया ते कोई भी खबर आउंदी है तो उहदे विच जो नैगेटिव खबर हुंदी है उह सानूं ज़्यादा आकर्षित करदी है क्योंकि नैगेटिविटी न्यूज़ दे लई एक जरूरी हिस्सा है। ते ओ चीज़ां जेड़ियां ने सानू ज़्यादा आकर्षित कर दियां हन, पर जदों न्यूज़ दे विच कोई नैगेटिविटी नहीं हुंदी, सही न्यूज़ हुंदा है, भला न्यूज़ हुंदा है, कई बारी साड़ा ध्यान उधर नहीं जांदा। अज दे पाठां विच वी असीं देखदे हां सानू 2 तरहां दे न्यूज़ मिलदे हन। एक है दुख दी खबर, नैगेटिविटी जो असीं कह सकदे हां जिसनू, चेलियां ते अत्याचार, चेलियां उन्हों परेशानियां, चेलियां ते तशद्दत की जा रही है, यह है बैड न्यूज़। ते इस दे विरुद्ध चंगा न्यूज़ यह है कि जो काम कर रहे हैं जो खुदा वल्लों है तो अपने काम दे विच सफल हो जाएंगे। अंजील दे विच बैड न्यूज़ ये है कि लोग भुखे हैं, अते गुड न्यूज़ ये है कि यीशु उन्हां दे लई खाने दा इंतजाम करता है। इस तरह हर बैड न्यूज़ के नाल नाल किते ना किते साडे लई अंजील विच खुशी की खबर भी मिलती है, चंगा न्यूज़ भी मिलता है।
बैड न्यूज़ यह है कि उन्हां कोल रोटियां इन्ने बंदियां लई रोटियां कित्थों खरीदनियां ने। जो 200 दिनार दियां खरीदणगे भी तो वह भी पूरियां नहीं आनियां। इहदे विच गुड न्यूज़ की है कि एक लड़के कोल 5 रोटियां तो 2 मच्छियां। यीशु मसीह बरकत दे के वो सारयां दे लई कामयाब पेट भर के भोजन कराउंदे आ। जे असीं अपने जीवन वाल झाती मारीए तो साडा जीवन भी उतराव चढ़ाव अप्स एंड डाउनस खुशियां दुख तकलीफा सारिया चीज़ां नाल भरिया होया। परेशानियां मुश्किलां पर यीशु मसीह जो कि साढ़े जीवन नूं ही नहीं साढ़े ख्यालों नूं भी जानन वाला खुदा है वो पहला ही साढ़े बारे जानता है। जदों उन्होंने अखां चुकियां तो भीड़ नूं देखिया कि बहुत वड्डी भीड़ है पहले ही जान गए कि ये लोग भुखे हैं बहुत दूरों दूरों पैदल चल के आए ने खुदा का वचन सुन इन्हां नूं रोटी की जरूरत है तो इसलिए अपने चेलियां नाल उन्हां नूं भोजन कराउण दे लई सलाह भी करदा है। तो इसलिए जे असीं यीशु मसीह दे वचन नूं सुनन की कोशिश करते हैं यीशु मसीह दे पिछे चलन की कोशिश करते हैं तो वह तो पहला ही साड़ियां लोड़ां नूं जानता है। तो इसलिए यीशु मसीह जो कि जिंदा खुदा है जे असीं उहदे नाल चलांगे तो साढ़े जीवन विच कोई कमी नहीं आएगी। पर उस दे नाल नाल सानू ये भी जानना जरूरी होएगा कि एक विश्वासी दे जीवन विच खुदा दी पैरवी करन वाले इंसान दे जीवन विच दुख जरूरी हैं। असी दुखां नू अपने नालों वक्खरा नहीं कर सकते। हर नेक काम लई हर चंगे काम लई सानू दुख भी झलने पैणगे तो सानू घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे साडे अपने तजर्बे हैं कि असी लोगों नाल नेकी करते हैं पर सानू उहदा जिहड़ा फल है कई बार बुरा मिलता है। असी लोगों लई भलाई करते हैं असी लोगों लई चंगी सोच रखते हैं पर उहदा नतीजा साडे लई कई बार बुरा हुंदा है। सानू ये अज संदेश दिता जा रहा है कि तुहानू अजिहे समयां विच घबराउण की जरूरत नहीं ये जरूरी है। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया पर उन्हें सजा दी गई। यीशु मसीह निर्दोष से पर उन्हें दोषी ठहराया गया क्योंकि वो नेक काम ते चल रहा सी वो लोगों का बचाव करा रहा सी पर लोग उसके विरुद्ध हो गए पर वो अपने काम में पिछे नहीं हटे। इसलिए जे असी नेकी करते हाँ नेकी की सोच रखते हाँ भलाई की सोच रखते हैं सहमति की सोच रखते हैं एक दूजे को समझने की सोच रखते हैं तो ये दुख जरूरी है क्योंकि सारे लोग साड़ी चंगी सोच नूं चंगे तरीके नाल नहीं समझणगे ते खुदा नूं अजिही सोच पसंद है कि असी चंगी सोच के कारण परेशान होंदे हुए भी चंगी सोच नूं अगे लै के जाने की कोशिश कर रहे ये खुदा नूं पसंद है ते खुदा इसका फल जरूर दे। रसूल अज खुदा की बाणी नूं खुदा के वचन नूं जां यीशु मसीह के मुरदियां विचों जीठण की सच्चाई नूं सामने लिया रहे ने। उन्हां नूं मुश्किलां का सामना करना पै रहा है पर वह पिछे नहीं हट वो अपने मिशन विच अपनी बुलाहट विच जो सच्चाई उन्होंने अपनी अखां नाल देख ली उहदी गवाही देनी है उन्होंने ते खुदा उन्होंने फल देवेगा ते खुदा ने उन्होंने फल दिता भी आ। अज असी कहने साड़ी कलीसिया रसूलां दे उत्ते स्थापित है। पत्रस जो कि अज रसूलां दा लीडर नेता बन के रसूलों नाल लैके सच्चाई की गवाही देन चल जा रहा
वो पत्थर है, चट्टान है जिस ते साड़ी कलीसिया स्थापित है। ये वो चट्टान है जड़ी जिसनों कोई भी दुनियावी शक्ति तोड़ नहीं सकती, नुकसान नहीं दे सकती। मुश्किल आंदियां ने, मुश्किल आ जांदियां ने, परेशानियां आंदियां ने, जांदियां ने, पर इस चट्टान को कोई भी दुनियावी शक्ति नहीं हिला सकती। संत पत्रस ने ये अपनी दिलेरी यीशु मसीह दे जी उठन बाद यीशु मसीह दे लिए एक गवाही बन के दिती। यही गवाही दे बारे यीशु मसीह ने पत्रस नूं पहला ही कहा सी कि मैं तेरे उत्ते अपनी कलीसिया स्थापित करूँगा। इसलिए खुदा नाल चलन का मतलब ये नहीं कि असी साढ़े सानू कोई मुश्किल नहीं आएगी, सानू कोई कमी नहीं रहेगी, साढ़े ते दुख तकलीफा नहीं आनगियां, सारा कुछ सानू आम इंसान वांग चलना पेगा। पर खुशी की गल ये है कि साडा फल साड़ी विश्वास का, साड़ी सच्चाई का, नेकी का, साड़ी गवाही का फल सानू जरूर मिलेगा, तो वो है अनंत जीवन। आमीन। तन मन ते तन सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। तन मन ते तन सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। जो कुछ है मेरा सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। जो कुछ जो मेरे है कोल सब तेरा है दान, हर वेले दिल विच रब्बा तेरा है ना। जो मेरे है कोल सब तेरा है दान, हर वेले दिल विच रब्बा तेरा है ना। मालिक तू मेरा, मालिक तू मेरा, मेरे लिए सब कुछ बस तेरी है शान। तन मन तन सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। प्रौत पैनु प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा साड़ा बाप मेरी ते तुहाड़ी इस कुर्बानी नूं प्रवान करे। प्रभु इस कुर्बानी नूं तुहाड़े हथां दे विच्चों अपने नाम दी उस्तत अते वडियाई लई अते साडे अते सारी पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करे। हे प्रभु, इन्हां चढ़ावे नूं अपनी मेहर नाल शुद्ध कर, ते इस रूहानी कुर्बानी दे नजराने नूं कबूल करके सानू अपने लिए एक सदीवी पेंट बली बना दे, साडे प्रभु यीशु मसीह दे राहीं। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल वी होवे। तुसीं अपने दिल प्रभु वल लगाओ, असीं अपना दिल प्रभु वल लगाउंदे हां। असीं अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद, ए सही अते योग है। ऐ प्रभु पवित्र बाप, पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, ये सचमुच सही अते योग है, मुक्ति पाउण दा राह है कि असीं हर वेले ते हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राहीं तेरा धन्नवाद करिए। पासका दे समय से हमेशा नालों वधेरे खुशी नाल तेरी वडियाई करते हाँ। जदों मसीह साडे लई पासका कुरबान होया, वह हुण भी साडा परोहित है जो खुदा बाप अगे हमेशा साडे लई वकालत करता है। मसीह वह बलि दा लेला है जो हुण कदी नहीं मरेगा, वह कुरबान किया गया सी पर हुण हमेशा लई जिंदा है। इसलिए असीं अपनी खुशी विच फरिश्तियां दे संगीती जत्थियां नाल मिल के तेरी महिमा दे गीत गाउंदे होए ये ऐलान करदे हां। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा, स्वर्ग ते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन। उचाइयां विच होसना, मुबारक है ओ जो प्रभु दे नाम ते आउंदा है। उचाइयां विच होसना।
हे प्रभु तू सचमुच पाक है, तू सब पवित्रता दा सोमा है। इसलिए असी बेनती करते कि जिस तरह तरेल पैंदी है उस तरह तू अपने रूप आक नूं भेज के इन्हां नजराने नूं पवित्र कर, तां जो साडे लई साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप नूं दुख तसीहां लई सौंपदे होए रोटी लई धन्नवाद करदिआं रोटी तोड़ी अते अपने चेलिआं नूं दित्ती, इह कहिंदे होए तुसी सारे लो ते इस विचों खाओ, क्यों जो इह मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुरबान कीता जावे। इस तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद करदे प्याला अपने चेलन दिता है कहते हुए तुसी सारे ये लो ते सुचो पियो, क्यों जो मेरे लहू का प्याला है नवे तस्दी विनियम का लहू जो थोड़े ते बहुत वास्ते गुनाहां की माफ़ी लई वहाया जाएगा, मेरी याद विच एक रह। ईमान दा पेट ऐ प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठन दी मुनादी करदे हां जद तक तू फिर आवेगा। हे प्रभु असी यीशु मसीह दी मौत ते उसदे जी उठन दी यादगारी नूं मनाउंदे होए तेनूं जीवन दी रोटी ते मुक्ति दा प्याला चढ़ाउंदे हां, असी तेरा धन्नवाद करदे हां क्यों जो तुसीं इस योग ठहराया कि असी तेरी हजूरी विच दाखल होके तेरी सेवा करिए। असी हलीमी नाल दुआ करते हैं कि मसीह दे बदन ते लहू विच हिस्सा लैण दे द्वारा असी रूह पाक दी राही एकता विच बचे रहिए। हे प्रभु सारी धरती उत्ते फैली अपनी यात्री कलीसिया नूं याद करे ते उसनूं साडे संत पापा फ्रांसिस साडे बिशप फ्रेंको ते अग्नेलो अते सारे पुरोहितां नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रख। साडे भैन भरावां नूं वी याद कर जिहड़े जिठण दी उम्मीद नाल सौं गए हन अते उन्हां सारिआं नूं जो तेरे रहम विच मर गए हैं, इन्हां दा तू अपनी हजूरी दे चानण विच स्वागत कर। हे प्रभु असी बेनती करदे हां कि साडे सारिआं उत्ते दया कर तां जो तन कुआरी मरियम खुदा दी मां दे नाल उसे कुआरी दे मुबारक वर संत यूसुफ दे नाल तन रसूलां ते सारे संतां नाल जिन्हां ने सारे युगां विच तैनूं खुश कीता है असी सदीवी जीवन दे वारस होण दे हकदार बन जावांगे अते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राहीं तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उस दे राहीं अते उस दे नाल अते उस दे विच एक खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूपाक दी एकता विच सब जलाल अते वडियाई तेरी ही है सदा तों सदा तीकर आमीन। आओ असी रल के खुदा दा राज आने लई प्रार्थना करिए जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाया है। ऐ साडे बाप जेड़ा तू आसमान ते है तेरा नाम पाक मन्या जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे साडे रोज दी रोटी अज सानू दे साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असी अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ
तू जरा दुनिया के गुनाह चुक लेंदा है सानू शांति दे। वेखो खुदा दा लीला, इन्हू वेखो जड़ा दुनिया के गुनाह चुक लैंदा है। तन ओ हन जिस लीले दे भोजन ले सद्दे गए हन। ए प्रभु मैं सियोगता नहीं हां कि तू मेरी छत थल्ले आवे, पर एक ही शब्द आ ता मेरी रूह चंगी हो जावेगी। जाओ ना बोझे उठाओ प्यारा मसीहा लवेगा उठा। परवाही त्याग के पाई सबनों बुलावे पालो रिहाई। बेपरवाही त्याग के पाई सबनों बुलावे पालो रिहाई। जाओ ना बोझे उठाओ प्यारा मसीहा लवेगा उठा। सलीबी प्रभु मुर्दियां विचों जी उठा है अते उसने सानू मुक्त किया है। हालेलुया। असी प्रार्थना करिए। हे प्रभु इस पाक पेदां दे तोहफे विच्चों हिस्सा लैके असी तेरे अगे हलीमी नाल दुआ करदे हाँ कि जो तेरे बेटे ने उसकी याद विच करन लई सानू हुक्म दिता है वह साडे लई आपसी प्यार ते उदारता विच वधन दा जरिया बने। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राहीं आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल वी होवे। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप बेटा ते रूह पाक तुहानू आशीर्वाद देवे आमीन। कुर्बानी चढ़ाएगी प्रभु दी शांति विच जाई। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर याद कर ऐ नहायत मेहरबान कुवारी मरियम। पिए कदी नहीं सुनया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदियां तेरी मदद चाहुंदियां तेरी सिफारिश मंगदियां तेथों खाली गया होवे। ऐ कुवारी कुवारियां दी अते मेरी मां इस तसल्ली नाल मैं तेरे कोल नस के आउंदा हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदा हां। ऐ दे तारी है कलाम दी मां तू मेरी अर्जा नूं हकीर ना जान सगों मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर आमीन। शांति दी रानी मुबारक मां मरियम साडे लई दुआ कर। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। जी मैं नानो गिन ना चावा जे मैं नानो गिन ना चावा रेत दे तानिया भी बदने रेत दे दानिया तो भी बदने। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे के हुण तक मैनू संभालदा आया है।
हर पल हर दिन तू ही हो मेरी जान नु पलदा माते बाप तो बद के तू कीता प्यार मेरे मसीहा बहुत बाप तो बद के कीता प्यार मेरे मसीहा बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा